मानसी गंगा की जय। सबने दिव्य भाव से स्नान कराया, अब और मन सत गया, मन में श्रद्धा हो गई ज्यादा। सब सामग्री ले आओ, अपना अपना भोग ले आए, भोग स्वीकार किया। नारद जी को अपनी लीला दिखाने का मौका मिल गया, पहुंच गए इंद्रलोक में महाराज इंद्रदेव के पास। इंद्र देवता ने कहा, नारद जी महाराज बड़े खुश लग रहे हो, बड़े प्रसन्न चित लग रहे हो, बड़े प्रफुल्लित लग रहे हो, किधर से आ रहे हो? तो कहा, देवराज आपके मन की भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जहां से मैं आ रहा हूं, जहां से मेरा मन आ रहा है, वही यदि आपका मन पहुंच जाएगा तो आपके मन की प्रफुल्लता का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा, किधर है? बोले, वो देखो इशारा किया महाराज, वो देखो पर्वतराज की चोटी पे, मात पिता तुम मेरे, वो नंद का लाला अपनी पूजा करवा रहा है महाराज, मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो किसकी, तुम मेरे गया। मेघों को आदेश दिया, पूरे वृंदा पूरे ब्रज को महाराज जलमग्न बना दो। मेघ उमड़ उमड़ कर आ गए, देव मूसलाधार बारिश, सारे ब्रजवासी बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया, हम क्या करें भाई? भगवान किसी को भी पराधीन नहीं बना रहे, भगवान उपदेश दे रहे हैं कि तुम किसी को अपने पराधीन मत बनाओ, अपना गुलाम बनाने का प्रयास मत करो, वरना न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारा मन गुलामी से मुक्त होने वाला नहीं है। भगवान कह रहे, मैं क्या करूं? गोवर्धन भगवान की शरण में जाओ, वो तुम्हें इस आपदा से छुटकारा दिलाएंगे। अथवा भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि मेरा ही रूप है, तुम अपने मनोभाव से एक मिट्टी के ढेले में भी मुझे भजोगे तो उस मिट्टी के ढेले के माध्यम से ही मैं तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करूंगा। कोई पत्थर में भी तुम मुझे भजोगे, मन लगाओगे उस पत्थर के माध्यम से भी, तो उस पत्थर के माध्यम से सदे हुए तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण करना मेरा कार्य है। ये उपदेश दे रहे हैं, कह रहे गोवर्धन भगवान की शरण में जाओ, उन्हीं की पूजा की है आपने। दूसरा भगवान जी भी समझा रहे हैं कि शारीरिक दृष्टि से तो वो व्यापक ब्रह्म साकार रूप में आते हैं, गुरुजनों जैसे महापुरुष के रूप में आते हैं, तो शारीरिक तल पे हमेशा हमेशा के लिए साथ बने रहना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं व्यापक रूप से सब जगह मैं ही हूं, मुझे तुम अपने भाव से जहां भजोगे मैं वही तुम्हारे मन के संकल्प को पूरा करूंगा। ये उपदेश दे रहे हैं, सभी मन ही मन फिर गोवर्धन भगवान की शरण गए। भगवान ने कहा कि भगवान कुछ कह रहे हैं, सुन लो उपदेश। भीतर चेतना रूप से परमात्मा है, कोई ऐसा संकट आ जाए, बाह्य जगत में कोई दिशा दिखाने वाला नहीं हो, तो भगवान का उपदेश है, शांत हो जाओ, भीतर मुड़ो, भीतर चेतन स्वरूप कृष्ण से तुम्हारे मन में एक दिशा मिल जाएगी, एक संकेत मिल जाएगा, एक आवाज आ जाएगी कि ऐसा करो, इस संकट से छूट जाओगे। ये उपदेश देते हुए कह रहे हैं, शोर न करो, शांत हो जाओ। गोवर्धन भगवान कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो कहा, भगवान कह रहे हैं पर्वतराज को उठाओ, छत्ता बनाओ, इसके नीचे प्रवेश कर जाओ। क्या संभव है कृष्णा? क्यों नहीं संभव है?
भगवान जब हमारे साथ है प्रयत्न करने में क्या जाता है, प्रयास तो करो। सब और घूम गए सब, और भगवान ने देखते देखते चीची उंगली पे 6 वर्ष की 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को चीची उंगली पे धारण किया, सो नाम पड़ा गिरधारी। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान तो स्वयं पृथ्वी अग्न पवन और पानी आप भय आकाशा। भगवान ने तो ये उपदेश दिया है चैतन्य स्वरूप कृष्ण ने, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारा मन यदि जुड़ा रहेगा तो व्यावहारिक जगत के बड़े से बड़े संकट से तुम्हारा मन छूटकर और परमानंद स्वरूप हो जाएगा। हड़बड़ाया न करो, भगवान का उपदेश है। कोई छोटी मोटी आपदा, कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई ठोकर आदि लग गई तो हड़बड़ाना नहीं, रोना पीटना नहीं, शोर शराबा नहीं करना। आत्मा राम की शरण ले जाना अपने मन को, चेतना राम की शरण ले जाना अपने मन को, चेतना राम गुरु की शरण में ले जाना अपने मन को, वहां सब संकटों से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपदेश दिया है। अब भगवान का सुदर्शन चक्र संपूर्ण जल का शोषण कर रहा, देवराज इंद्र को बात समझ में आ गई है, दिव्य गाय का दूध लेकर आए हैं। भगवान ने यथास्थान पे पर्वतराज को स्थापित किया है। देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, दिव्य गाय के दूध के द्वारा अभिषेक किया है। दिव्य दूध का मतलब है दूध जैसा मन हो गया, अब कोई अलचल नहीं रहा, अब कोई राग द्वेष नहीं रहा, अब कोई भी ईर्ष्या नहीं रही, तो फिर भगवान क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता पाकर देवराज इंद्र लौटे हैं। अब भगवान कह रहे हैं भाई परिक्रमा करो, फिर आरती करेंगे। परिक्रमा के बिना पूजा अधूरी रह जाती है, तो सबके सब परिक्रमा मार्ग में भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं क्या कर रहे हो भाई, नहीं नहीं आप तो भगवान हो भाई, हम भगवान कैसे हो सकते। बोले भगवान के बिना इतने बड़े पर्वत को कौन उठाएगा। फिर भगवान ने माया की चदरिया डाली और कहा भाई कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से पर्वत लियो उठाए। फिर वही सने वही बात से ले उठ पड़ा, सभी ने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की है, आओ हम भी अपने मन से गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हुए आरती करेंगे महाराज। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे दी है अपनी बच्ची को। जिन बालक कह तो करी बाता, तो सुने ही मुदित मन पित करुमा। और वैसे गुरुजनों का तो सब शिष्य का ही होता है, गुरुजनों का तो बाह्य जगत की संपदा भी और जो भीतरी जगत की संपदा है, ये बाह्य जगत की संपदा तो आने जाने वाली है। ये नदी समुद्र वृक्ष पहाड़ है भारे, ये पृथ्वी सूरज चांद गगन और तारे, ये महाप्रलय में लोप हो गए सारे, तो बाह्य जगत की संपदा तो आनी जानी है। गुरुओं की वास्तविक संपदा होती है अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का परिचय, वो गुरुओं की करुणा बरसती रहे, इतना ही पर्याप्त है। हरि ओम मां चंद्रमा मन सो जाय तसो हो सो जो जाय तसो प्रदवाय सकल संपदाय। अब सच्चिदानंद घन भगवान की गिरधारी के रूप में आरती महाराज है। गिरधारी आरती Yeah.
और समय का विशेष ध्यान रखेंगे महापुरुष ठीक 1:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है और महाप्रसाद देने वाले भक्तों को भी संदेश बड़े आदर के साथ और बड़ी स्फूर्ति के साथ प्रसाद वितरण करेंगे। सीतयों सनिका सहन करना विषय भोग का त्याग अजी ये है धर्म जी क्या सुनगा कोई साथ भूलन भाग लगी हो जिसकी राम भजन सबसे हर धर्म को जगत में सबसे हर धर्म को लगी हो जिसकी राम भजन में लगी हो जिसकी राम भजन में जगत में सबसे Thank you.
Yeah.
श्री हरि सिंह।